हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के ऊपर के छात्र हो, बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें, क्या आपके यूपी स्कॉलरशिप आने के चांस है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादातर आ ही चुकी है, जो लास्ट डेट है दोस्तों 31 मार्च 2024 है। तो हम चेक करेंगे कैसे अपने स्टेटस को चेक करें एक नए मेथड से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टाइप कर देना है NPCI दोस्तों। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे जाके डेस्कटॉप मोड पे जरूर कर लेना। जैसे NPCI टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंज्यूमर का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देना। अब इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन भारत आधार सेंडिंग इनेबल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार फिल कर देना। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो फिल कर देना। तो दोस्तों मैं अपना जो आधार नंबर है वो मैं फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर और जो भी कैप्चा कोड है वो फिल कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक कर देना। चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे 6 डिजिट का OTP जाएगा और आपको OTP यहाँ पे फिल कर देना। तो मैं OTP के लिए वेट करता हूँ। तो OTP आ चुका है और OTP को मैंने फिल कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो आधार नंबर दोस्तों वो शो होगा और आपका जो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है जिस बैंक में वो यहाँ पे शो होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो मैपिंग स्टेटस का, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। यदि ये इनेबल है तो आपके जो स्कॉलरशिप है वो आने के चांस है। अगर यहाँ पर डिसेबल लिख के आ रहा है तो दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों मोस्टली लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है और जिन लोगों की स्कॉलरशिप अभी नहीं आई तो दोस्तों 31 मार्च तक उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी यदि आपके यहाँ पर इनेबल लिख के आ रहा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।